उज्जैन संभाग में रहने वाले अंजना समाज के सैकड़ों युवक अस्पताल में उपचार के दौरान रक्तदान कर जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं, ताकि उपचार बेहतर तरीके से हो सके। जिस व्यक्ति का अस्पताल में उपचार चल रहा है उसे ब्लड मिल जाने की वजह से उपचार बेहतर तरीके से हो सके। अंजना समाज के सैकड़ों युवक संपूर्ण उज्जैन जिले के अंदर एकत्रित होकर कई वर्षों से रक्तदान कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वीरेन जी, यह जो समाज के सभी बंधु हैं, यह समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं, हर कदम पर समाज के साथ में खड़े हैं। यदि कोई सी भी समाज सेवा होगी, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, राजनीति का कोई सिस्टम नहीं है, मात्र यह ग्रुप बना हुआ है ब्लड डोनेट के लिए। इसके अलावा भी यदि समाज सेवा की कोई बात आती है तो उसके लिए भी हर कदम पे सभी युवा अंजना श्री ग्रुप जो है जुड़ा बना हुआ, यह सभी प्रकार से सभी की मदद कर रहा है। हमारी अंजना समाज की ये बैठक मतलब 2019 से हमने स्टार्ट की थी। छोटी शुरुआत थी, 25 लोग इकट्ठे हुए थे उस टाइम पे। युवा जोश था, हमारे युवाओं का यह था कि ऐसा कुछ करें कि अंजना समाज तो प्रेरित हो और उनका नाम आगे आए, बाकी दूसरे लोग भी ये सब काम करें को और मोटिवेशन मिले लोगों को कि मतलब आगे दूसरे समाज भी कुछ काम कर सके। तो हमने इसमें 2019 से बैठक लेना स्टार्ट की थी और आज कोरोना काल के बाद 1 साल और 7 महीने बाद कि हमारी चौथी मीटिंग रखी गई है। और इसमें कोई राजनीति वाला काम नहीं है, किसी भी राजनीति पार्टी को इसमें मतलब आज वो मैटर ही नहीं है कि कोई राजनीति करे यहाँ पे आके, और कोई राजनीति नहीं करता है यहाँ पे, सिर्फ रक्तदान का ही मतलब काम किया जाता है। और किसी को भी रक्त की जरूरत पड़ती है तो श्री अंजना ग्रुप के नाम से सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक में हम फोन लगाते हैं और ब्लड मिल जाता है। और अभी तक श्री अंजना ग्रुप उज्जैन द्वारा 602 यूनिट रक्तदान हो चुका है और 19 गांवों में ब्लड कैंप लगाया जा चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।